आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 136। मतलब तीन नंबर का सम कितना है, 136 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जो नंबर गिवन नहीं है, जो मालूम नहीं, उनको पहले हम एज्यूम कर लें। तो हम क्या नोट कर सकते हैं इनको कि लेट द थ्री नंबर्स आर ए बी एंड सी। तो हमने तीन नंबर ले लिया, ए बी और सी। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा सिर्फ हमको उतना ही फॉलो करना है और ये क्वेश्चन सब बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 136। तो इन तीनों को हम लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 136, इक्वेशन फर्स्ट। आगे पढ़ते हैं क्या, इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 2/3। अब दो नंबर का रेशियो कितना गिवन है, 2/3, मतलब ए अपान बी इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। आगे क्या है, एंड द बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इज 5/3, मतलब बी बटे सी इक्वल टू कितना है, 5/3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व निकालना क्या इसमें से, देन द सेकेंड नंबर इज, हमको सेकेंड नंबर फाइंड करना है, मतलब बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं, हमको सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, बी की चाहिए। तो हम करते क्या है कि जो कंडीशन दी हुई है उसमें से सबको बी के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। एक बी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, हम ए की वैल्यू बी के टर्म में निकालेंगे और सी की वैल्यू भी बी के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू बी के टर्म में निकालना है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए इक्वल टू 2/3 बी, निकाला ये की वैल्यू बी के टर्म में। ऐसे अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सी क्या हो जाएगा, ये तीन का इधर जाएगा तो 3b/5। तो अब हमको सी भी बी के टर्म में मालूम चल गया और ए भी बी के टर्म में मालूम चल गया। अब वैल्यू पुट कर दें हम इनको इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तो इक्वल टू 136। ए की वैल्यू आई 2b/3 प्लस बी, ये फ्रैक्शन नहीं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। सी की वैल्यू क्या है, 3b/5, तो ये हो जाएगा 3b/5 इक्वल टू 136। अब हमारे पास ये तीन फ्रैक्शन है, अब इन फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे किस में, 15 आ जाएगा एलसीएम। अब सॉल्व करेंगे तो 3 5 15, 5 2 10b, तो 10b हो गया। ये हो जाएगा 15b प्प्लस 5 3 15, 3 3 9b इक्वल टू 136। इनको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 15 10 25 25 प्लस 9 34 सो 34b इक्वल अपॉन 15 इक्वल टू 136। तो फिर से सॉल्व करने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 136 इंटू 15 अपॉन 34। इसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, सो 34 4 जो कितना होता है, 136 होता है, और इसको 15 4 जो 60। तो ये हमारा आंसर हो गया कि b की वैल्यू कितनी निकल के आई, 60 हो गई। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आंसर है ये बी, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।